नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है इंदौर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस की। दोस्तों इस ट्रेन को 24 अगस्त से शुरू किया जा रहा है। दोस्तों इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ट्रेन नंबर 20957 इंदौर नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस से, जो सप्ताह में दिन रविवार बुधवार तथा शुक्रवार को इंदौर जंक्शन से नई दिल्ली के बीच चलेगी। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके ट्रेवल टाइम की तो यह इंदौर से नई दिल्ली के बीच 851 किलोमीटर की यात्रा लगभग 12 घंटे 20 मिनट में पूरा करती है। इसके बीच है 8 स्टेशनों पर रुकती है। इसकी एवरेज स्पीड 69 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा इसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे है। दोस्तों अगर मैं बात करूं ट्रेन में लगने वाले कोच की तो इसमें LHB रेक श्रेणी के सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास तथा जनरल क्लास के कोच लगाए जाएंगे। दोस्तों इस ट्रेन की टिकट आप हैंड टू हैंड रेलवे स्टेशन से भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस ट्रेन का टिकट किराया जानना है तो कृपया IRCTC की वेबसाइट पर जाकर एक बार अवश्य चेक कर लें। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस ट्रेन में लगने वाले लोकोमोटिव की तो इसमें इंदौर से नई दिल्ली के बीच गाजियाबाद लोको सेट का Wave 7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगेगा। तो आइए दोस्तों इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में विस्तारित रूप से जान लेते हैं। तो दोस्तों इंदौर नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो इंदौर जंक्शन से शाम को 4:45 पर रवाना होने के बाद इसका पहला स्टेशन है बड़नगर, 6:05 पर पहुंचती है, 2 मिनट के ठहराव के बाद 6:07 पर यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचेगी रतलाम जंक्शन 6:55 पर, तब 5 मिनट के ठहराव के बाद 7 बजे यहाँ से रवाना होगी। इसके बाद पहुंचेगी नागडा जंक्शन 7:53 पे, तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 7:55 पे यहाँ से रवाना होती है। इसके बाद पहुंचती है रामगंज मंडी जंक्शन 9:15 पे, तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 9:17 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है कोटा जंक्शन 10:20 पे, तथा 10 मिनट के ठहराव के बाद 10:30 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है स्वाईमाधोपुर जंक्शन 11:52 पे, तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 11:54 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे भरतपुर जंक्शन 1:52 पे, तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 1:54 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे मथुरा जंक्शन 2:48 पे, तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 2:50 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। तथा इसके बाद पहुंचे नई दिल्ली सुबह 5:05 पे, तथा यहाँ पर अपनी यात्रा को पूरा करती है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।